प्रयागराज में एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने शुभारंभ किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि देश के कोने कोने में एक्यूप्रेशर को मान्यता मिल रही है और इसके माध्यम से लाखों लोग बगैर कुछ खर्च किए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज आयुष के क्षेत्र में विगत 25 वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्यतः रोगी अपने स्वास्थ्य के लिए पूरे देश से अन्य विधाओं के उपचार लेने के पश्चात थके हुए तथा निराश होकर आते हैं और यहां पर लाभान्वित हो रहे हैं। त्रिवेणी के इस पवित्र संगम के तट पर उनका ये परिसर बहुत ही सुरम्य है, बहुत ही सुंदर है और इलाज की एक प्राकृतिक विधा है जिसमें बाजार की दवाओं पर यह आधारित नहीं है। आपको अपने से स्वयं से आपको अपना इलाज कर सकते हैं, सीखने और जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी पुस्तकों का भी विमोचन आज हुआ। निश्चित ही दुनिया के तमाम 9 देशों के लोग आज इस सम्मेलन से जुड़े हुए थे और इस सभागार में भी हिंदुस्तान के कोने कोने से इसके तमाम इस विधाओं के जानकार लोग आए हुए थे। तो एक बहुत ही सार्थक कह सकते हूँ अपने मकसद को पूरा करने वाला सम्मेलन था। इसमें देश विदेश की जो आधुनिक बीमारियां हैं, खास तौर से एंटीबॉडी, एंटीजेंस और कैंसर जैसी, उनके ब्लड कैंसर और उनके तमाम ऐसी चीज़ें हैं और लीवर सिरोसिस और यहां तक कि ब्रेन के डिसऑर्डर्स, स्पाइनल सर्जरी और हार्ट की कार्डियोलॉजी, मायोपैथी, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें उसमें पूरा प्रयास होगा और केस हिस्ट्री एविडेंस बेस्ड है।